हेलो ब्यूटीफुल फेसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज विद आरू और मैं हूँ आराधना। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लखनऊ का सबसे फेमस मार्केट, यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। यस, अमीनाबाद। मैंने रिसेंट में ही वहाँ पे विजिट किया था और वहाँ से मैंने काफी इयररिंग्स खरीदी है, जिसका हॉल में अभी आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, सो डेट कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, वन बाय वन मैं आप लोगों को सारी इयररिंग्स दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फेदर इयररिंग्स के साथ में। पहला इयररिंग्स था ये जो मैंने लिया था, आप लोग देख सकते हैं ये सर्कल में है और नीचे इसमें लटकन पैटर्न दिया हुआ है और इसमें मल्टी कलर्स के थ्रेड्स लगे हुए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज ये हम कोई भी साड़ी पहने या हम कोई भी सूट पहन रहे, कुर्ती पहन रहे, हम कॉलेज जा रहे हैं या हम किसी नॉर्मल छोटी मोटी पार्टी में भी जा रहे हैं, वहाँ पे हम इस इयररिंग को पहन सकते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड आप बिलीव नहीं करेंगे ये कितने रुपीज़ का है। दिस इज़ ओनली फॉर 40 रुपीज़। नेक्स्ट, अगेन मैंने फेदर इयररिंग्स ली है, वो कुछ इस तरह से हैं। ये काफ़ी लॉन्ग है, देखिए इसमें ये चेन्स की लेयर लगी हुई है और इस चेन्स में ये येलो कलर के फेदर्स हैं और ये भी 40 रुपीज का है। नेक्स्ट इयररिंग फ्रेंड्स ये है, ये इसमें ब्लैक कलर के फेदर्स लगे हैं, बीच में यहाँ पे देखिए गोटा लगा हुआ है गोल्डन कलर का और ये स्क्वायर शेप में बना हुआ है जिसमें स्टड्स लगे हुए हैं। इसे हम इंडियन ड्रेसेस, इनफैक्ट हम वेस्टर्न ड्रेसेस पे भी पहन सकते हैं। अभी हमने हयात के बारे में सुना होगा, हयात वो काफ़ी ऐसी इयररिंग्स पहनती है वेस्टर्न आउटफिट्स पे। नेक्स्ट इयररिंग्स मेरी ये है ब्लू कलर की, ये रॉयल ब्लू कलर है फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। इसे मैंने इनफैक्ट अभी मैंने ट्राई किया था जब मैंने अपनी कुर्ती पे पहना था, ये इतना अच्छा लुक दे रहा था, उस कुर्ती के अंदर इसने चार चांद लगा दिए थे। नेक्स्ट मैंने इयररिंग ली है वो ये है, ये व्हाइट कलर की है, ये बालियों के फॉर्म में है और इसमें भी बीच में ये देखिए लटकन लगा हुआ है फेदर का, आप लोग देख सकते हैं। इसे हम अगर कोई अनारकली सूट पहन रहे हैं या कुर्ती पहन रहे उस पे ये बहुत ही अच्छा मैच करेगा। नेक्स्ट मेरी फेदर इयररिंग ये है फ्रेंड्स, मल्टी कलर में है ये, इसे भी हम इंडियन या वेस्टर्न दोनों पे पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक्स देगा ये। लंबी सी चेन है, काफी लॉन्ग है ये। ये तो सारी फेदर इयररिंग्स थी, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट इयररिंग्स की। नेक्स्ट मैंने ये गोल्डन कलर की इयररिंग्स ली हैं, आप देख सकते हैं इसमें ये तार के बॉल्स बने हुए हैं और ये गोल्डन कलर की चेन है, इसमें स्टार्स लगे हुए हैं और ब्लैक कलर के बीट्स लगे हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा, इवन जब हम इसे पहनेंगे तो ये लॉन्ग यहाँ तक हमारे शोल्डर तक आएगा, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसे भी हम इंडियन वेस्टर्न किसी पे भी पहनेंगे ये बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मेरी सिल्वर कलर की इयररिंग्स ये वाली है, इसे भी हम इंडियन वेस्टर्न किसी पे भी पहन सकते हैं, इसमें भी ये ढेर सारी इसमें चेन्स के लाइन दिए हुए हैं और ये तार के सर्कल बना हुआ है। नेक्स्ट इयररिंग्स फ्रेंड्स ये है, ये मेरी सबसे फेवरेट इयररिंग है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। अगर हम कोई भी सिंपल सा साड़ी पहन रहे हैं और उस पे ब्लैक कलर की साड़ी पहन रहे हैं, उस पे अगर हम ये इयररिंग पहने जिसपे कोई भी डिजाइन ना बना हुआ हो उस साड़ी पे, ये देखिए ये कॉकटेल वाला लुक देगा उस पे, बहुत ही ऑसम, बहुत ही प्यारा।
ये मेरी सबसे फेवरेट बन गई है इस वक्त। और लास्ट ईयरिंग मेरी ये है, ये आप देख सकते हो, ये मुझे बहुत ही क्यूट सी लगी, छोटी सी। अगर हम कॉलेज स्टूडेंट हैं तो फिर इसे हम पहन सकते हैं अपनी कुर्तीज के ऊपर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये पोटली पैटर्न है और इसमें नीचे बीड्स लगे हुए हैं रेड एंड ब्लैक कलर की। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा अमीनाबाद की इयररिंग्स का हॉल, और ये सारी इयररिंग्स 40 रुपीज ईच है। कैन यू बिलीव इट, इतने सस्ते में हमें और क्या मिल सकता है, इतना अच्छा लुक्स देगा ये हमारे सारे क्लोथ्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। टिल देन, बाय बाय।